Hey guys, welcome back to my YouTube channel Vogue Vanity. This is me, Diksha. So today's I am with up these makeup tutorial which I create recently in my sister wedding. तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप नहीं है, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है आप उसे ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेकअप ट्यूटोरियल की ओर, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो दिस इज़ माई नॉर्मल स्किन बिना मेकअप का, थोड़ा फ्लफी लगेगा क्योंकि मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ कज़न की शादी की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे, अब प्राइमर लगाएंगे थोड़ा। नाउ आई एम यूजिंग लिप बाम। अब मैं अपने स्किन पे थोड़ा कंसीलर लगाऊंगी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स एंड थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स हैं। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। नाउ मैं थोड़ा डार्क शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ताकि वो दाग धब्बे को थोड़ा कम कर दे, नज़र आए। इसके बाद आप अपने कान और नेक एरिया को नहीं भूलना। मैं थोड़ा लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ अब अपने स्किन टोन के हिसाब से। मैं थोड़ा कंटूर कर रही हूँ अपने चेक बोन्स को और नोज़ एरिया को भी कंटूर करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग ब्लश, थोड़ा चिक पे ब्लश मुझे पसंद है। उसके बाद मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगी अपने फेस को। मैं ज़्यादातर जनरली अपने हाथ यूज़ करती हूँ मेकअप करने को क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से होता है मुझसे। नाउ मैं जो थोड़ा पाउडर है वो अपने अंडर आईज पे लगा रही हूँ, उसको मैं आई शेडो वगैरह के बाद ही हटाऊँगी ताकि मेरा जितना भी आई शेडो या कुछ भी पाच हो तो वो गिर जाए, उस पर गिरे तो वो हट जाए। मैं पिंक कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा लहंगा भी पिंक है। नाउ मैं ब्रोज़ को कर रही हूँ ब्राउन कलर के आई शेडो से ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे। इसके बाद मैं आईलाइनर, काजल एंड मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से मैं आईब्रो के नीचे थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि वो सुंदर दिखे। अब मैं पिंक कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने फिर इसके बाद चेंज कर लिया। वीडियो में बस ये शेड दिखेगा बट मैंने शेड थोड़ा चेंज किया है। मैं बिंदी लगा लेती हूँ एंड हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा चेंज करना है ड्रेस, बाकी ऑल सेट। Thank you.